अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज बना रही हूँ मैं बकरे के पाए। तो मैंने क्या किया था कि जब शॉप से आए थे पाए, तो मैंने उनको धोकर और एक देगची में साफ पानी डालकर उनको बॉयल करने के रख लिया था, ताकि बॉयल इस तरह के उनका जो गंदा सब है अंदर, कचरा वगैरह, वो सब निकल जाए। तो वो जब अच्छी तरह उनका कचरा वचरा साफ़ हो गया गर्म पानी में, वो मैंने देगची में रखकर उनको किया था। तरीके से एक दो उबाले आ गए थे, फिर मैंने वो पानी फेंक दिया और फिर पाए उनको अच्छी तरह मैंने धोया। उनको धोने के बाद मैंने ये जो पाए आप देख रहे हैं, ये पाए, और उसमें मैंने पायों का जो मसाला होता है वो डाल दिया, मतलब नमक मिर्च होती है, गरम मसाला होता है, सुरख मिर्च होती है, हल्दी होती है, वो कच्चा प्याज, लहसुन अदरक, इसी तरह आधा मैंने ये रख दिया था, आधा मैंने इसमें डालकर मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था। उसके बाद ये जब इस तरह हो गया, मतलब अगर मैंने दो कप डाले थे तो एक कप हो गया, तो मैंने एक बाउल में इनको निकाल कर रख दिया। और अब मैं एक अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये जी हो गए हैं रेडी हमारे बकरे के पाए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बना रही थी। तो ये बनने के बाद इस तरह हो गए, जो मैंने धनिया पुदीना काटा था, हरी मिर्च, वो भी मैंने साथ में डाल दी है, और साथ में मैंने बना दी है ये चपाती, और ये रखा है मैंने अनियन, क्योंकि अनियन आजकल ज़्यादा खाना चाहिए, गर्मियाँ भी आ रही हैं, वायरस भी है, और लेकिन फ़ायदेमंद तो सबसे ज़्यादा ही है। तो चलें भी, आज की हमारी रेसिपी थी पाए, जिसकी रेसिपी तो मैंने आपको दे दी थी, लेकिन अब मैं आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ। तो आप देखें, बताएं, लाइक करें और कमेंट्स करें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।